ये देखो तिब्बत दिखा रहे हैं, वाह कितना सुंदर। अरे कहाँ गया ये रहा तिब्बत, पूरा पहाड़ी है, बर्फ पड़ता है ना वहाँ पे। वाह से थोड़ा सा आगे ही रसपना पुल, रसपना पुल लगने ही चाहिए। सौ की पाँच, सौ की पाँच, सौ की पाँच। हेलो दगड़ियों, कैसे हो? कंचवा मैं थे बताया, कंच कैसे हो? और आज हम कहाँ जा रहे हैं मोमो? आज हम जा रहे हैं तिब्बत मार्केट। हाँ हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, कल मैंने इन्हें खिलाया, अभी मुझे शॉपिंग कराने वाले हैं, है ना? बाय, चलो बाय, चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ रहे हो ना? बोलना, आ रहे हो ना? आ रहे। मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे। मैं चली मामा, चलो। वैसे गांव में हम ऐसे घूमेंगे ना तो मम्मी बोलेगी कि छल लग जाएगा, बाल खोल के मत घूमो रे। तो दोस्तों पहुंच गए हम ट्रेंड्स, जो कि कहाँ पे है मोमो? यहाँ से आगे जाके क्या है? यहाँ से थोड़ा सा आगे ही रसपना पुल। रसपना पुल लगने ही चाहिए, सब पहाड़ियों को पता है कि रसपना पुल कहाँ पे है। वहाँ पे ना सब्जी और गांव से जो भिजवाते हैं ना, वहीं पे बस रुकती है रोडवेज की, और सब वहीं से अपने अपने थैले पकड़ते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेंड्स में। ये तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ट्रेंड्स, और यहाँ तो मैं बहुत सालों बाद आ रही हूँ, तो जब मैं यहाँ रहती थी तब ये ट्रेंड्स यहाँ पे नहीं था, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलते हैं अब। अलग है वो, देखिए कम्मो भी आ गई है। कम्मो, कम्मो ही फटा लगा थी, मैं बोल रही थी वो दोनों। ये कम्मो भी आ गई। कम्मो आपको कोई बहुत पसंद कर रहा था, आप बोल रहे थे कम्मो बहुत शरारती है, क्या बोलना चाहोगी? नॉटी नॉटी। थैंक यू, थैंक यू बोलना चाहोगे? नोटिसिंग भी। देखो कम्मा हमारे लिए क्या लाई है, कूपन। चलो चलते हैं। यहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर चेक। लड़कियों का फेवरेट काम होता है शॉपिंग करना, लड़कियाँ बाबली सी हो जाती है कपड़े देखकर, और उनका मन करता है कि सारे कपड़े ले जाए। दोस्तों ट्रेंड्स में कुर्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ये मैंने सुना था, और वाकई बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियाँ यहाँ पे हैं, और हम बहुत सारी जगह जाने वाले हैं, लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या हम खरीदने वाले हैं यहाँ से और बाकी मार्केट से। बाबा कति कपड़ा चाहिए, मन कनु सा भोरी लीजो। दोस्तों ट्रेंड्स से तो हम आ गए, अब ट्रेंड्स के बगल में डी कैथलॉन है, जहाँ पर स्पोर्ट्स वेयर तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं, है ना मामो? हाँ चलो चलते हैं अब, यहाँ देखते हैं। यहाँ हमारे पास कोई कूपन नहीं है, बट ये है डी कैथलॉन, स्पोर्ट्स वेयर के लिए फेमस। और दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स के कपड़े, जिम वाले कपड़े, जूते अच्छे मिल जाते हैं, थोड़े से महंगे होंगे लेकिन लंबे चलते हैं, तो यहाँ से लेना सही रहता है। अभी ये कौन है, जाना पहचाना लग रहा है ये, देखो तो कौन है, कौन है, कौन है? सोनिका जुयाल जी, आर यू अभिषेक जुयाल? आप यहाँ कैसे पहुँच गए भाई साहब? पैसे कौन देने वाला है आपके यहाँ? शॉपिंग कौन करा रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे शॉपिंग मैं खुद कर रहा हूँ। ये देहरादून है, देहरादून। ओह ये हमारा गढ़ है, ये हम यहाँ के राजा हैं। बाहुबली, बाहुबली। ये ले लो क्या, डंबल, इससे मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ बैठे बैठे, क्या पता पतली हो जाओ। ऐसे करूँगी, ये 1 2 3। यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब तो अच्छा ही है, क्या लूँ? कंफ्यूजन। इसको क्या लेना होगा, क्या लेना है आपको? दोस्तों आप कहीं से भी शॉपिंग कर लो, लेकिन देहरादून के पल्टन मार्केट, तिब्बत मार्केट से शॉपिंग नहीं की तो फिर मजा नहीं आता, तो चलो चलते हैं अब। अब हम जा रहे हैं कांटागर, क्या
वाले भैया बोलते हैं निकलो यहाँ से। हेलो अंकल, कितना हो गया अंकल? कितना हुआ? 30 क्यों? 30 रुपए? 10 रुपए हुए यार। इतनी सवारी कब से हो गई? मैं जब पहले आती थी ना 5 रुपए की होती थी। महंगाई का जमाना है। तो पहुंच चुके हम तिब्बतन मार्केट और देहरादून में ट्रांसपोर्ट के लिए विक्रम जगह जगह मिल जाएंगे आपको। जहां जाना हो विक्रम भैजी आपको ले जाएंगे बहुत कम कीमतों पर। तो चलिए तिब्बत मार्केट घूमते हैं। वेयर अ मास्क। ठीक है जी। मेरा हाँ मेरा सही 12 से 50 थे ना। मोमोज में देख अलग ही कलर आ रहा कितने का ये? कितने का? नहीं है 900। दोस्तों तिब्बती मार्केट में हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। भैया कितना पुराना है? आपका नाम क्या है पहले तो ये बताओ। ऋषि। ऋषि हाँ। आप तिब्बत से हो? तिब्बत से हाँ, हाँ। तिब्बत से वैसे। तिब्बत से है लेकिन यहीं रहते हैं, यहीं पैदा हुए। पैदा कहाँ हुए थे? हाँ जी, पैदा मेरा जयपुर में हुआ था। जयपुर में पैदा हुए थे। तो भैया हमें थोड़ा बहुत बताएंगे। भैया कितने साल हो गए तिब्बत मार्केट को? ये वाला हाँ। ये वाला 30-35 हो गया। हाँ, 35 साल हो गए। आपके मम्मी पापा यहाँ आए थे? हाँ। अच्छा, और आप वापस तिब्बत जाते हो कभी? नहीं नहीं, तिब्बत तो हमने खाली फोटो और वीडियो में देखा। खाली फोटो और वीडियो में देखा है क्योंकि भैया ने मुझे बताया कि जाएंगे जरूर। जाएंगे जरूर। हाँ। तो आपको वीजा कैसे मिलेगा? वीजा नहीं, तिब्बत आजाद करके जाएंगे हम। आजाद करके जाएंगे। चाइना ने कब्जा किया है तो आजाद कैसे होगा तिब्बत? हाँ जी, आजाद कैसे होगा? आजाद होंगे, अभी ट्राई कर रहे हम। जैसे इंडिया आजाद हुआ वैसे तिब्बत आजाद होगा। तो भैया यहाँ एज अ रिफ्यूजी रहते हैं और उनको बड़ा मन करता है ना तिब्बत जाने का। हाँ, क्योंकि अपने गांव जाने का सबको ही मन करता है। देहरादून के अलावा आप कहाँ कहाँ घूमे हो? क्यों पूरा इंडिया में घूमा? इंडिया में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड में वैसे ज्यादा नहीं घूमा। उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून घूमा। देहरादून, नैनीताल और क्या बोलते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार। अच्छा, ऋषिकेश हरिद्वार। और उनका भी मन करता है वो तिब्बत जाए लेकिन वो कह रहे हैं कि तिब्बत तो भी गुलाम है, उन्हें चाइना की एम्बेसी जाना पड़ता है ना। हाँ, वीजा के लिए, और वो आने नहीं देते। और भैया यहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती इंडिया में? नहीं, दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में, इंडिया दिल वाले, बड़े दिल वाले। अच्छा ये बताओ, आप मुझे कुछ सिखाओगे तिब्बती में? जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं घर जा रही हूँ, इसे तिब्बती में क्या बोलेंगे? तिब्बती में हाँ, ना नंगला ड्राइंग। हाँ, ना ना नहीं, ना ना नंगला ड्राइंग। नंगला ड्राइंग, वाओ। अब मैं आपको, मैं पहाड़ी पहाड़ी से हूँ ना, मतलब गढ़वाली हूँ मैं, तो मैं भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है? तो मैं जैसे बोलूँ कि तिब्बत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं बोलूँगी तिब्बती लोग बहुत बड़ा अच्छा हुंदी। आपको ऐसा बोला? अच्छा, तिब्बती लोग बड़ा अच्छा हुंदी। वाह यार, हमने भी बोल दिए तो बड़ा मजा आया। और कुछ बताना चाहेंगे तिब्बती मार्केट? अच्छा, पहले यहाँ फिक्स प्राइस नहीं होता था, फिक्स प्राइस हो गया है ना? हाँ, फिक्स प्राइस अब कितने साल से? 4 साल हो गया। हाँ, 4-5 साल, पांचवा चल रहा है। पांचवा चल रहा है। और दोस्तों यही है तिब्बती मार्केट, जहाँ फिक्स प्राइस है लेकिन क्वालिटी वाइज कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। और हम चाहेंगे भैया जल्द से जल्द तिब्बत जाएंगे अपने घूमने, क्योंकि वो कभी गए नहीं, उनके फोटोज में ही देखा है उन्होंने। ओके भैया, बाय बोल दो। अच्छा, सबको बोल दो, सबको बोलो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। और मैंने जबरदस्ती सब्सक्राइब भी करवा दिया है दोस्तों, ये देखिए भैया, सही किया ना मैंने? सही किया। थैंक यू। भाई क्या ले रहे हो? जैकेट। जैकेट, इसके क्या फायदे इस जैकेट के? दो फायदे हाँ। तो शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब यहाँ पे मोमो बड़े फेमस है, बस जरा देखते खाते बॉबी पाजी के मोमो। डबल साइडेड है, इसको ऐसी जैकेट पसंद आती है ताकि काम आ जाए। तो दूसरी जैकेट दिखा, चल दीदी, दीदी जैकेट दिखा दो दीदी। कौन सी? वो दी सब रेड बॉम्बे वाली। अभी 10 मिनट पहले भी आया था हमने। कैसा आ रहा है मोमो? कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है।
कितने सुबह से कितने खा लेते हो यहाँ पे मोमो, इससे पेट खराब होता है पता है। ओ भाई बड़ा थक गए, अब चलते हैं घर, रात भी हो गई है। दोस्तों मोमोज बहुत फेमस है देहरादून के, तो हम मोमोज खा रहे हैं और देहरादून यानी मोमो के लिए बहुत जाना जाता है, तो देखते हैं कैसे होते हैं मोमोज। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा थक गए हैं क्योंकि गाड़ी की पे पे हॉर्न, मतलब मैं इतने मतलब 9 महीने बाद मैं यहाँ आ रही हूँ ना, तो पहाड़ों का जो सन शांति थी ना उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो पता नहीं कान ऐसे हो गए ना, पर कोई बात नहीं। अब कपड़े चाहिए तो आना तो पड़ेगा ना, तो ये है मैं शॉपिंग दिखाती हूँ आपको, ये मुझे पड़ा है, वैसे तो ये था 1200 का, ये मेरी फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया है मुझे, जिन्हें मैंने बहुत सारा खिलाया कल तो उन्होंने मुझे 900 रुपये का ये गिफ्ट किया, बहुत ही अच्छा प्यारा। और ये है हमारा, ये था पहले कितने का था, ये 1200 का था और ये हमें पड़ा फिर डिस्काउंट लगा के 800 का। और ये है विंड शटर जो कि काफ़ी प्यारा है, इससे हवा भी रुक जाती है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। और ये हमें पड़ा 1250 का, प्राइस मैं भूल जाती तो मैंने किसी को बताया है। और ये है 1500 का और ये है 900 का, मज़ा आ गया ना। वैसे अगर आपके यहाँ ये कपड़े मिलते तो ये कितने के मिलते हैं मुझे ज़रूर बताना, तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई दोस्तों। अब एक साल तक कपड़े नहीं लेंगे, जीन्स कैसे भूल गई मैं, ये देखो इसमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है दोस्तों। ट्रेंड्स का ये बहुत अच्छा है, ट्रेंड्स में जब हम गए तो हमारे पास जो कमो है वो बहुत काम की है, उसने हमें 2 कूपन दिए 500-500 के। और ये जीन्स जो मैंने इतनी अच्छी लड़की पहनी थी, और ये वाली जीन्स लीक ऊपर की 1800 की थी और हमें डिस्काउंट मिला तो ये 1000 की हो गई और मेरी 300 की हो गई, कितना सही है ना। तो इतने सारी शॉपिंग हमें की, मज़ा आया दोस्तों। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना, तिब्बत मार्केट डीप कैसलॉन घूम के, और आपके यहाँ कितने कितने प्राइस होते हैं कपड़ों के ये भी बताना। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना है।